ये निशान देख रहे हो? हम मंत्रों से जुड़े हैं तो इसका इस्तेमाल बुरी आत्माओं के खिलाफ कर सकते हैं, और हम लोग इसे अद्भुत खंजर कहते हैं। अब खुश हो? अद्भुत खंजर, काफी दिलचस्प है। यानी तुम एक तरह के निशानेबाज हो, ठीक है ना? और वो क्या है, वो जो तुमने गले में पहना हुआ है? शायद कोई तावीज या कुछ? क्या ये नागा? नागा क्या? ये देखो, तुम विदेशियों ने शायद इसे कुछ समय पहले पकड़ा था। पास से देखो, भूल जाओ, ये नकली है। असली वाला तो इससे बहुत बड़ा है। अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम किसी खास दल के आदमी हो क्या? और तुम लोग सेना में करते क्या हो? पहले ही कह चुका हूं, हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है। भूल जाओ, तुम इसे नहीं समझ पाओगे। देखो, मैं कह चुका हूं, मैं तुम्हारी संस्कृति की इज्जत करता हूं। अब बताओ, तुम किस तरह के सैनिक हो? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? हमारा काम है हैवानों को मारना। छुपना बेकार है। तुमने तो कहा था तुम हमला नहीं करोगे, अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। हो सकता है, पर मेरे वादे से मेरा फर्ज ज्यादा मायने रखता है। कौन से फर्ज की बात कर रहे हो? अपनी खोज को सब लोगों से छुपा कर रखना? लोगों को सब कुछ जानने का हक है। तुम वक्त बर्बाद कर रही हो, बाहर आ जाओ। उसे छुपाया क्यों जाए? वो तो बस एक जानवर का जीवाश्म है, भला वो क्या बिगाड़ लेगा? क्या कह रही हो? हो सकता है वो कुछ और हो। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो सिर्फ एक जानवर का जीवाश्म है? अब ये मत कहना कि वो एक शैतान है, ये बकवास है, बिल्कुल वाहियात। तुम जानते भी हो, इसी अंधविश्वास की वजह से मेरे डैड को अपनी जान खोनी पड़ी। अंधविश्वास? हाँ,
आखिर तुम जानती क्या हो? तुम और तुम्हारे पिता विदेशी हैं। उनके वाहियात सिद्धांतों को तुम अपने ही पास रखो, उन्हें नरक में सड़ने दो। हे! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में ऐसा कहने की? एक असली थाई किसी के पिता को गाली नहीं देता। उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं भी एक थाई हूँ, मुझे भी थाईलैंड से प्यार है, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर विज्ञान कुछ समझा सकता है तो थाई लोगों को जानना चाहिए। अरे लड़के या पटाखा बोले ही जा रही है। बहुत ही खुदगर्ज हो, मतलब ही हो। थाई लोग ऐसे नहीं होते। तुम उन लोगों से नफरत करते हो जो तुमसे अलग है, क्यों है ना? चल बारा बारा। मुझे कवर दो।